इन्होंने प्लान किया था। शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी शैली, आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिजनेस करना चाह रही थी, मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहाँ पे एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था तो उन्होंने कहा, राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिजनेस था छोटा मोटा सेकेंड हैंड, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी, कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल, उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड। नहीं दीदी, उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं, आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये। तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ, कैसे जाल डालना है। हाँ मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते हो, मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैची को यहाँ से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना, उसने दो एक रूम मेरा इधर बुक किया, एक रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। मैंने भाई आपका रूम कहाँ है, उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खेंची और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ, 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीजें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूं, मैं कैसे बाहर जाके बोलूं कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा, कौन मानेगा, क्या होगा? मैंने बोला, मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं कंप्लेंट करूंगी हर चीज। मैंने उर्फी को तुरंत फोन किया, उर्फी रो रो के, उर्फी मैं क्या करूं, उर्फी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूं, तू आ जा। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें तो करी है लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया, वो मुझे गोवा लेकर गया। मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए, वो वहाँ बाय कार पहुँचा, शैली भी पहुँची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी, मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो 2 मौलाना को लेकर आया, होटल कौन सी थी वो मैं आपको बता दूंगी, कौन से होटल में मैं रुकी थी, CCTV फुटेज भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, 1 साल पुराना। 2 मौलानों को लेकर आया, मैंने बोला अगर आप करेंगे नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में, मैं तो जाऊंगी, मैं पुलिस, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन मौलाना को लेकर आए, मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना, अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ, आप अल्लाह को जवाब देंगे क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे जब हम दोनों राजी हैं? तो वो बोलते कि आदिल खानदुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मेरा मुझे निकाह करना है, हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है सबके सामने, कहीं एक छोटे से मैं टेलीविजन पर नहीं छपी हूं, मैं एक ब्रांड हूं। वो मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो, और बाद में मुझे बोलते हैं घड़ी घड़ी स्टेटमेंट चेंज कि
तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहाँ पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूँ। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कराई थी जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, तो मुंबई आया था शेरा भाई से, सब सब साथ में टेबल पे बैठे थे, शैली सब एम्प्रेसा में। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारवार चाहिए तो बताना। भाई ने बोला ठीक है कोई भी कारवार चाहिए तो मैं बताऊँ। गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमिडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है, क्योंकि वो गवाह ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है, मुझे पता ही नहीं कि निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है। फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज़ मौलाना जी को फ़ोन कर रही हूँ मुझे सर्टिफिकेट दो सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी के बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं कहती, मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ मौलाना जी, गोवा वाले दो मौलाना जी प्लीज़ आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा, और आप आके कहिए कि आपने आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में, और आपने निकाह कर आया था बगैर दो दो गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे तो निकाह बिना गवाह के होता नहीं है, नहीं होता है। कभी नहीं पढ़वाएगा। अच्छा तो ये पता नहीं एक दो घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया था, मुझे नहीं मालूम है। और बाद में इसने बोला कि मेरा, अब मैं वहां से आ रहा हूँ, इन्होंने मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि तुम मुझे, मैं परेशान हो गया हूँ शैली से, मैं परेशान हो गया हूँ अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, शोहर का साथ नहीं दोगी तो जन्नुम में जाओगी, तुमने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, मैं मुझे उतना नहीं पता। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए, आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं कुछ नहीं, मैं क्या करूं, एक रुपया लेकर नहीं आया फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी।